भगवान का रूप होते हैं और बच्चों के भगवान उसके मां बाप होते हैं जिस मां बाप के साय में बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं क्या मालूम था वही माँ बाप एक मासूम के लिए हैवान बन जाएंगे वल्लभगढ़ में सोतोइले पिता ने एक पांच साल के मासूम पर जुल्म करने में मानवता की सारी हदें पार कर दी आरोपी ने उसके गुप्तांग को बीड़ी से जलाने का प्रयास किया दांत काट कर घायल कर दिया हद तो तब हो गई जब इस सारी वारदात में बच्चे की मां ने भी अपने पति का ही साथ दिया बच्चे ने सारी बात अपने नाना नानी को बताई बरहाल वह उसे अस्पताल में ले गए अस्पताल से सूचना मिलने के बाद हरकत में आई चाइल्ड लाइन टीम की शिकायत पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चे के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है दोनों को मंगलवार को जेल भेज दिया गया चाइल्ड लाइन के सदस्य रविंदर ने थाना आदर्श नगर को सूचना दी कि एक बच्चा गंभीर हालत में बीके अस्पताल में लाया गया है इसके बाद थाना पुलिस व चाइल्ड लाइन के सदस्य अस्पताल पहुंचे और बच्चे से बात करने की कोशिश की काफी देर काउंसलिंग के बाद वह अपना नाम नितिन व पापा का नाम सोनू बता पाया जो उसका सोतेला पिता है सगे पिता ने किसी विवाद के कारण दूसरी शादी कर ली थी इसलिए वह अपनी माँ के साथ नाना नानी के घर कृष्णा कॉलोनी में रहने लगा था कुछ दिन बाद काजल ने भी सुभाष कॉलोनी निवासी सोनू से दूसरी शादी कर ली उसके बाद वह माँ के साथ कृष्णा कॉलोनी से सुभाष कॉलोनी वल्लभगढ़ आ गया यहाँ आने के बाद जब बच्चा खाना मांगता तो उसके सोतेले पिता उसे बेल्ट से मारते बच्चे ने बताया कि उसके पिता रोजाना उसकी पिटाई करते थे जब वह सोता तो पिता उसे दांत से काट लेता था करीब चार से पांच दिन पहले जब वह घर में था तो उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और उसके गुप्तांग में दांत काट लिया इसके बाद जलती बीड़ी से उसे जला दिया गया नाना नानी जब उसकी माँ से मिलने आए तो वह उनसे लिपट कर रोने लगा रात को बच्चे ने आप बीती सुनाई इसके बाद बच्चे के नाना नानी ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और पुलिस को इसकी सूचना दी थाना आदर्श नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है यहां बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों घर में भी बच्चे महफूज नहीं रह रहे हैं जो बच्चे घर में महफूज नहीं है क्या गारंटी है कि वह बाहर महफूज होंगे हमारा समाज ये किस दिशा की ओर जा रहा है करते थे खाना भी देते थे इसमें दोनों पति पत्नी आपस में साथ देते थे तो बच्चा जब ज़्यादा वो हो गया पर एक दिन नाना नानी इसके चार पाँच दिन पहले नाना नानी मिलने आए तब बच्चे ने अपने नाना नानी को ये बात बताई है तब उन्होंने उसको दाखिल कराया और मैं सूचना दी जिसके बिना पे हमने मुकदमा नंबर चार दिनांक पाँच दस दो हजार बीस अंडर सेक्शन पिछहत्तर जे जे एक्ट और दस पोक्स पोस्को एक्ट के तहत तीन सौ तेईस पाँच सौ छः चौंतीस आई पी सी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और पति को कल गिरफ्तार कर लिया था और आज इसकी पत्नी को सुबह जो लड़के की माँ है उसको सुबह गिरफ्तार कर लिया है ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद